हाय फ्रेंड्स, ये फोटोशॉप कोर्स की क्लास नंबर 37 और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जूम टूल के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जूम टूल का यूज करके आप फोटोशॉप में ओपन या क्रिएट की गई इमेज के व्यू को मैग्निफाइज और रिड्यूस कर सकते हैं। जूम टूल आपको टूल बार में यहां पर सबसे लास्ट में मिलेगा, यहां से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कीबोर्ड में Z की को प्रेस करके भी जूम टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। जूम टूल को सिलेक्ट करने के बाद ऑप्शन टूल बार में आपको यहां पर जूम टूल से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है यहां पर जूम इन का ये आइकन। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके जैसे ही आप अपने इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज का व्यू यहां पर मैग्निफाई होगा। आप देख सकते हैं हमारी इमेज यहां पर जूम इन हो रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहां पर जूम आउट का ये ऑप्शन। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप अपनी इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज यहां पर जूम आउट हो जाएगी। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं हमारी इमेज यहां पर जूम आउट हो रही है। यहां से फिर से मैं जूम इन कर रहा हूं। इमेज को जूम इन करने के बाद फोटोशॉप में आपको यहां पर दो स्लाइडर मिलेंगे। यहां से आप इमेज को अप और डाउन मूव करा सकते हैं और यहां से आप इमेज को राइट और लेफ्ट मूव करा सकते हैं। यहां पर आप इमेज को जूम इन और जूम आउट करने के लिए शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ प्लस की को प्रेस करेंगे यहां पर आपकी इमेज जूम इन होगी और जैसे ही आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ माइनस की को प्रेस करेंगे आपकी इमेज यहां पर जूम आउट होगी। तो इस तरीके से आप जूम इन और जूम आउट के लिए इन शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। फोटोशॉप में आप किसी इमेज को 12,800% तक जूम कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर क्लिक करके रख रहा हूं आप देख सकते हैं हमारी इमेज यहां पर जूम इन हो रही है। यहां पर आप इमेज के एक एक पिक्सल को देख सकते हैं। जूम के इस अमाउंट को आप यहां पर स्टेटस बार के अंदर देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारी इमेज यहां पर 12,800% तक जूम इन है। यहां से अब मैं इमेज को जूम आउट कर रहा हूं। आप देख सकते हैं हमारा अभी जूम आउट 0.06% है। तो इस तरीके से आप जूम इन और जूम आउट का यूज करके लार्ज स्केल में फोटोशॉप के अंदर किसी भी इमेज को जूम इन और आउट कर सकते हैं। यहां पर ऑप्शन टूल बार में लास्ट में ये कुछ ऑप्शन दिए हैं जिनमें यहां पर ये ऑप्शन है फिट स्क्रीन का। जैसे आप यहां पर इस पर क्लिक करेंगे आपकी इमेज यहां पर स्क्रीन के साथ फिट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है यहां पर फिल स्क्रीन। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आपकी इमेज इस स्क्रीन के अंदर फिल हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है यहां पर 100% जूम का। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी इमेज को 100% जूम व्यू में देख सकते हैं। जैसे मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं आप यहां पर स्टेटस बार में देख सकते हैं हमारी इमेज अभी यहां पर 100% जूम व्यू के अंदर है। यहां से फिर से मैं फिट स्क्रीन कर रहा हूं। यहां पर फिट टू स्क्रीन और 100% जूम के लिए कुछ शॉर्टकट हैं। जैसे आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ 1 की को प्रेस करेंगे आपकी इमेज का व्यू यहां पर 100% जूम हो जाएगा और जैसे ही आप यहां पर कंट्रोल के साथ 0 की को प्रेस करेंगे तो आपकी इमेज यहां पर फिट टू स्क्रीन हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है यहां पर स्क्रबी जूम। इस ऑप्शन का यूज करके जैसे आप अपनी इमेज पर क्लिक करके अपसाइड मूव करेंगे तो आपकी इमेज यहां पर जूम इन होगी और जैसे आप यहां पर डाउन साइड मूव करेंगे आपकी इमेज यहां पर जूम आउट होगी। तो इस तरीके से आप स्क्रबी जूम के इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहां पर जूम ऑल विंडो। आप देख सकते हैं फोटोशॉप में अभी यहां पर मैंने दो इमेजेस को ओपन किया है और यहां पर इन दोनों इमेजेस को मैं यहां पर फिट टू स्क्रीन कर रहा हूं और जूम ऑल विंडोज के इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूं। अब यहां से मैं जूम इन को सिलेक्ट कर रहा हूं और इस इमेज को मैं यहां पर जूम इन कर रहा हूं। आप देख सकते हैं मैंने इस इमेज को जूम इन किया है लेकिन जैसे ही मैं यहां पर दूसरी इमेज पर आ रहा हूं आप देख सकते हैं ये इमेज भी हमने जो कि फिट टू स्क्रीन की थी ये भी इस इमेज के साथ जूम इन हो गई है। तो इस तरीके से जूम ऑल विंडोज के इस ऑप्शन का यूज करके आप यहां पर ओपन की गई सभी इमेजेस को एक साथ जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। यहां से अब मैं इस इमेज को सिलेक्ट करके यहां से जूम आउट कर रहा हूं। आप देख सकते हैं हमने इस इमेज को जूम आउट किया है। यहां पर हमारी ये दूसरी इमेज भी यहां पर जूम आउट हो गई है। यहां से मैं इस इमेज को फिट टू स्क्रीन कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।